कल 30 अप्रैल को सूरत सेशन कोर्ट ने नारायण साईं जी को आजीवन कारावास की सजा दे दी। आज संत समाज की ओर से महाराज जी है, तो पहले महाराज जी का परिचय दे दे। स्वामी हर्षानंद, संस्थापक योग दर्शन परमार्थिक ट्रस्ट। महाराज जी, क्या पहली प्रतिक्रिया कल सूरत सेशन कोर्ट ने 11 साल पुराने मामले में नारायण साईं जी को आजीवन कारावास की सजा दे दी? मैं साईं जी को, पूज्य बापू जी को बधाई देना चाहता हूँ। राम, कृष्ण, नानक, जीसस, पैगंबर जो भी हो, हर युग में सत्य की परीक्षा हुई है। इस काल में यह अवसर उन्हें मिला। मैं संत समाज की ओर से इस घृणित कार्य के, इस षड्यंत्र के लिए घोर निंदा करता हूँ उन लोगों की जिन्होंने पूज्य बापू जी को और साईं जी को षड्यंत्र पूर्वक फंसाया है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय संविधान में पुलिस का रोजनामचा सिर्फ 48 घंटे के लिए खुला रहता है, यानी 48 घंटे पीछे चलता है। ये 12 साल पुराने मतलब किसी केस को ले आना और FIR दर्ज कर देना बहुत बड़ा षड्यंत्र है, और षड्यंत्रकारियों को विफल करने के लिए उन्हें जेलों में भेजा जाए। महाराज जी, आज भी क्या आसाराम जी बापू और नारायण साईं जी को निर्दोष मानते हो? शत प्रतिशत। एक समय आएगा जब इस भूल का लोग प्रायश्चित करेंगे कि इस तरह से उन्हें गुनाहगार बता दिया गया था। इस देश में 27% लोग पूर्णिमा के खिलते हुए चांद में चावल की रोटियां खोज रहे हैं, पेट से सोचते हैं। बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां 50 रुपए में बालिकाएं अपना जिस्म बेच रही है समाज के भीतर। तो प्रलोभन के सहारे इस देश में कुछ भी संभव है। आपने देखा, ये महाराज जी का साफ तौर पे ही कहना था कि जो भी आरोप लग रहे आरोपों में कोई सच्चाई नहीं। आज भी ये महाराज जी आसाराम जी बापू और नारायण साईं जी को निर्दोष मानते हैं। कैमरामैन अंजनी के साथ नीलेश ठक्कर, सूरत से रफ्तार न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं, नए वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए।